पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरानों ने रेंटल पावर मंसूबे में मुल्क की दौलत के 4.25 करोड़ रुपए लूटे, जिसकी जिम्मेदारी राजा रेंटल पर आयद होती है। टंडो मोहम्मद खान ने इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लोग इलेक्शन के इंतजार में हैं, वो वोट की ताकत से करप्ट हुक्मरानों को घर भेज देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुआ, सड़कों पर खून होगा, लोग इनके महलों के ऊपर अटैक करेंगे, लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो और इनको अपनी वोट के जरिए निकालें। इमरान खान का कहना था कि उन्होंने मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे करके साबित कर दिया कि तेरे के इंसाफ ही वफाक की जमात है। अवाम के अंदर हम निकल गए हैं, ये हमने जो अपना जलसा करना था ये साबित कर दिया पाकिस्तान में कि एक ही फेडरल पार्टी है जो सारे पाकिस्तान में आज जलसे कर सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान का कहना था कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट में 400 अरब रुपए डबो दिए गए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ 27 जून से एहतजाजी मुजाहरों का आगाज करेगी।